हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। ओके, सो बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक। ओके, सो सॉर्टिंग, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, सॉर्टिंग मींस आइदर अरेंजिंग अवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। बबल सॉर्ट वन ऑफ द टेक्निक है डेटा को सॉर्ट करने की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कि बबल सॉर्ट होता क्या है, मींस हम कैसे बबल सॉर्ट करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं बबल सॉर्ट के। ठीक है, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम क्या होती है, जो कि आप स्टेप समझने के बाद ऑटोमेटिकली खुद से राइट कर सकते हैं कि क्या क्या इसके एल्गोरिदम होती है। एंड थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कहेंगे कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और हम कैसे उसे निकालते हैं। ठीक है, सो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज सी यू हैव गिवन दिस डेटा। ठीक है, आपके पास एक कोई एरे गिवन है जिसमें कि एलिमेंट्स गिवन है और आपको इस एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, बट हम ले रहे हैं कि हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब बबल सॉर्ट का जो टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। और अगर हमारा जो लेट अस सपोज अगर आपका आई एलिमेंट है और ये फिर आई प्लस वन एलिमेंट होगा, तो अगर आपका जो आई प्लस वन एलिमेंट है वो स्मॉलर है आपका आईएथ एलिमेंट से, तो हम उसे स्वैप करते हैं। ठीक है, तो बस ये दो ही चीजें होती है इसमें। एक तो आप एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते रहते हैं, और उसके बाद अगर आपका आई प्लस वन एलिमेंट स्मॉलर है आपका आईएथ एलिमेंट से, तो आप उसे उनको स्वैप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं अपने डेटा को, तो हमें स्मॉलर एलिमेंट्स आगे चाहिए। तो अगर स्मॉलर एलिमेंट्स हमारे राइट साइड में, मीन्स आई प्लस वन एलिमेंट हमारा स्मॉलर है आई एलिमेंट से, तो हम उसे स्वैप करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये आपका गिवन एरे है। ठीक है, तो हम इसे कंपेयर कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टू एलिमेंट्स को हमने कंपेयर किया, तो 35 इज स्मॉलर देन 55। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एरे कैसे आ जाएगी, 35, ठीक है, 55, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे आपको कुछ नहीं करना है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 40, 15 एंड 5 विल कम एज इट इज। ठीक है, ये आपके एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, तो अब आपका ये जो बबल आप से बोल सकते हैं या कोई भी आप मार्क ले सकते हैं, अब आपका सेकेंड। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर किया, अब हम सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो अब इसमें देखिए 40 इज स्मॉलर देन 55। अगेन हमारा जो आई प्लस वन एलिमेंट है वो स्मॉलर है हमारा आई एलिमेंट से। ठीक है, तो जब भी हमारा ये वाला एलिमेंट स्मॉलर होगा तो हम उसे स्वैप करेंगे, तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो 35 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और 40 अब यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये स्मॉलर है 55 से। ठीक है, तो इन दोनों में हम परफॉर्म करेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, हमें हमें उनको कुछ कंसिडर नहीं करना भी, बस हमें जो दो एलिमेंट जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं बस हमें उन्हीं पे फोकस रखना है। ठीक है, अब आपका ये यहाँ आ गया, अब यहाँ पे, अब थर्ड एलिमेंट पे आपका ये मार्क आ गया। ठीक है, तो अब हम थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। सी, अब अगेन 15 इज लेस देन 55, तो अगेन इन दोनों एलिमेंट्स को हम स्वैप करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी एरे कैसे हो जाएगी, 35, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो 15 और 55 में 15 विल कम हियर, और अब 55 यहाँ पे आ गया और 5 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम ये हमारा फोर्थ एलिमेंट में आ गया। ठीक है, अब हम फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, अगेन 5 इज स्मॉलर देन 55, तो अगेन ये स्मॉलर है तो फिर से हम इसे स्वैप करेंगे। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 35, 40, 15, ये आपका एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब 5 स्मॉलर, तो 5 यहाँ पे आ गया आपका और 55 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए लास्ट एलिमेंट तक, मीन्स हमने एक पास परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड योर पास वन। ओके, दिस इज कॉल्ड योर पास वन ऑफ बबल सॉर्ट। ओके, हमने स्टार्टिंग से एलिमेंट कंपेयर करके हम लास्ट तक पहुंच गए। ठीक है, अब इस पास वन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी खास बात क्या है, कि
आपको फर्स्ट पास और बबल सॉर्ट के बाद आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में आपको मिलता है। ओके और करेक्ट पोजीशन, और यू कैन से एट द लास्ट, बिकॉज वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसमें स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट होंगे, तो जो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका कहाँ होगा, लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सी यू कैन सी 55। ठीक है, 55 हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का, तो ये हमारा कहाँ आ गया, लास्ट पोजिशन में आ गया। ठीक है, तो ये अपनी राइट, और यू कैन से कि अपनी राइट पोजिशन में आ गया। ठीक है, तो सी नाउ, अब ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यू कैन टेक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और योर कॉलेज एग्जाम। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, कोई भी आपको एरे दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आफ्टर फर्स्ट पास ऑफ योर बबल सॉर्ट कि आपका एरे का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आपका एरे का क्या ऑर्डर होगा फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट। ठीक है, तो आपको इसलिए ये स्टेप वाइज आना चाहिए कि हम कैसे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पास के बाद आपका ये उसका आंसर आपका क्या होगा, ये होगा कि फर्स्ट पास के बाद आपको जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा। इसमें क्या है, बस लास्ट एलिमेंट आपका सॉर्टेड है और जो कि अपने करेक्ट पोजिशन में, रेस्ट ऑफ जो अभी ये वाले एलिमेंट्स है ये अभी अपनी करेक्ट पोजिशन पे नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट के बाद क्या होता है कि आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजिशन में आता है, जो कि यहाँ पे लास्ट पे आया है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट। अगेन अब हमारे पास ये रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स बचे हैं, अगेन हमें इसमें फिर से बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट द कंप्लीट, हमें पूरी कंप्लीट एरे चाहिए जो कि सॉर्टेड चाहिए। ठीक है, अब हम इस रेस्ट ऑफ इन एलिमेंट्स में अपना बबल सॉर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं 35 से। ओके, अब 35 और 40, अगेन 35 क्या 40 35 से स्मॉलर है, नहीं है, तो कंपेयर हमने कर लिया बट स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि द एलिमेंट्स अपने करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, 40 इज नॉट लेस देन 35, तो हम इसे इसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 35 40 और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को तो आपको एज इट इज लिखना ही है। ठीक है, 55 भी हम एज इट इज लिख देंगे। अब 35 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका, फिर आप यहाँ पे मूव कर गए। ठीक है, अब हम 40 और 15 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगेन 15 इज स्मॉलर देन 40, तो इस बार स्वैप होगा आपका। ठीक है, तो 35 तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसमें आपका 15 अब यहाँ आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, अगेन 5 इधर और 55 एज इट इज। ठीक है, तो अब सेकेंड एलिमेंट पे आप आ गए, अब आपके थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अगेन 5 और 40 को आप कंपेयर करेंगे, 5 इज स्मॉलर देन 40, अगेन स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 35, ओके दिस इज योर 15, अभी आपका 5 इधर आ जाएगा, इन दोनों में सॉर्टिंग होगी, सॉरी स्वैपिंग होगी, तो और 40 यहाँ पे आएगा एंड 55 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ अब आप इस एलिमेंट में पहुंच गए। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर करेंगे क्या, नहीं, अब आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो ये वाला एलिमेंट है ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो जो सॉर्टेड है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो हमें पता है कि ये एलिमेंट ऑलरेडी इससे ग्रेटर ही होगा, तो हम इस लास्ट एलिमेंट में कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ तक मिला, तो हमें बस इन एलिमेंट्स को जो रेस्ट थे उन पे हमें बबल सॉर्ट लगाना है, तो इसमें हम बबल सॉर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप फाइनल अपने इसमें पहुंच गए, तो इसको हम बोलते हैं पास टू, ये आपका क्या है, पास टू ऑफ बबल सॉर्ट। ठीक है, अब आप क्या देख सकते हैं, अगेन पास टू में आपको क्या मिला है, जो सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है आपके एरे का। ठीक है, आपके सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट एरे का क्या है, 40 है, तो सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट 40 आपको अपनी राइट पोजीशन में मिल गया पास टू में। ठीक है, तो ऐसे आप क्या देख सकते हैं कि हमें बबल सॉर्ट से क्या मिल रहा है, कि हर एक पास में हमें एक एक जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन में मिल रहा है, जो कि लास्ट से है ना। अब हमारा ये वाला पास भी परफॉर्म हो गया, नाउ वी विल गो फॉर द पास थ्री। अब देखो यहाँ पे हमारे जो ये दो एलिमेंट्स है, नाउ दीज आर इन योर इन देयर करेक्ट पोजिशन, दे आर सॉर्टेड, अब हमें बबल सॉर्ट लगाना है सिर्फ इन तीन एलिमेंट्स में। ठीक है, ये दो अपने करेक्ट पोजिशन में, इनमें हम नहीं कोई भी कंपेरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दो इनमें। ठीक है, अब अगेन, ठीक है, अब देखो 35, 35 और 15 में कंपेयर करेंगे, 15 इज स्मॉलर देन 35, अगेन ये स्वैप होंगे। ठीक है, तो आपका कैसे आ जाएगा, 15 ये आपका 35 और 5 एज इट इज आ जाएगा, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स 40 और 55 को आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन अब नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो अभी आपने 35 और 15 को किया था, अब हम किसको करेंगे, 35 और 5 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 5 और 35 को कंपेयर करेंगे, 15 हम एज इट इज लिख देंगे,
ठीक है। अब 5 और 35, अगेन 5 स्मॉलर देन 35, तो ये आपका 5 इधर आ गया, 35 इधर आ गया, ठीक है। बाकी 40 और 55 हम एज इट इज लिखेंगे, इनमें हमें कोई कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब फिर से आप इसमें आ गए, अब आप अपनी लास्ट एलिमेंट में आ गए, क्योंकि इनसे तो आपको कंपेयर करना नहीं है, तो इस अनसॉर्टेड एरे के आप लास्ट एलिमेंट में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना बबल सॉर्ट रोकेंगे, तो अब हमारा ये क्या कहलाएगा, पास 3, ठीक है। ये हमारा हो गया पास 3, ठीक है। अब अगेन आप क्या देखेंगे, पास 3 में आपको क्या मिला है, थर्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपनी राइट पोजिशन में मिला है, ठीक है। थर्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका 35 ही है, ठीक है। तो ये अगेन फिर से राइट पोजिशन में मिला है, तो अब हमारी फिर से इतनी एरे सॉर्टेड है, इतनी एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है। मीन्स सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं हमारे अनसॉर्टेड एरे में। अगेन हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 15 और 5 में से हमें फिर से पता है कि 5 इज स्मॉलर देन 15, तो अगेन ये दोनों स्वैप होंगे, तो हमें मिलेगा 5 15, ओके। और ये एलिमेंट तो 35 40 और 55 आपके एज इट इज आएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, इनमें हमें कुछ कंपेयर नहीं करना है। तो हम अनसॉर्टेड एरे में दो एक ही कंपेरिजन था, वो हमें कर लिया, तो अब हमारा ये वाला कहलाएगा पास 4, ठीक है। तो पास 4 के बाद आप देख सकते हैं कि नाउ यू हैव गॉट योर सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब आपको अपनी सॉर्टेड एरे मिल गई है, इसके बाद आप कोई भी, हमारे पास अनसॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स नहीं बचे हैं, तो इस तरीके से फाइनली आफ्टर 4 पास के बाद हमें फाइनल अपनी सॉर्टेड एरे मिली है, ठीक है। तो अब इस स्टेप से हम क्या देख सकते हैं कि सी हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, n=5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हमारे पास थे, और हमें कितने पास लगे, 4 पास लगे, ठीक है। तो हमें कितने पास लगे, 4 पास लगे इसको सॉर्ट करने में। तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो हमें कितने पासेस चाहिए होंगे, n-1 पासेस, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बबल सॉर्ट का, कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, तो हमें n-1 पासेस चाहिए होंगे उन्हें सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो और दूसरा हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारे पासेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हमारे पास एलिमेंट्स कम बच रहे हैं जो कि हम कंपेयर करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो हर एक पास में हमें एक एलिमेंट सॉर्ट होके मिल रहा है, तो धीरे धीरे हमारे जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है वो कम होते जा रहे हैं, तो हमारा कंपैरिजन भी कम होता जा रहा है। सी यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, ठीक है। इस वाले में हमारा 55 फिक्स था, अब हमने सिर्फ इतने एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया था। इसमें हमारा 40 और 55 फिर फिक्स हो गया था, फिर हमारा सिर्फ हमने 3 एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, तो हमारे कंपेरिजन पासेस के अकॉर्डिंग कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक स्टेप बबल सॉर्ट का। अब हम इसकी एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। अब एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, जो हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं, हमें कुछ मगअप नहीं करना है एल्गोरिदम, बस जो हमने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया है वही हम एल्गोरिदम में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एल्गोरिदम में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी पहले तो हमारे पासेस चल रहे हैं, ठीक है। हर एक में हमारे पास चल रहे हैं, और उस पास के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे हमें स्वैप करने की जरूरत है वहां पे हम स्वैप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो, हमारे दो लूप चलेंगे, ठीक है, दो फॉर लूप चलेंगे। पहला चलेगा हमारा फॉर 0 i <less than> n-1 n i++, ओके। तो जो हमारा पहला फॉर लूप होगा वो हमारे पासिस के लिए चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो जो वी हैव n=5 एलिमेंट, ओके। हमारे पास 5 एलिमेंट है, और हमारे पासिस कहाँ तक चल रहे हैं, 4 तक चल रहे हैं, मतलब n-1 तक हमारे पास चलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो लूप हम लगाएंगे तो पासिस के लिए, तो पासिस के अंदर इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एलिमेंट ग्रेटर है इससे, तो हम इसे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, दूसरा लूप लेंगे for j=0, j<n-1 एंड j++, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एलिमेंट एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन a(j+1), ठीक है। अगर आपका ए ऑफ जो जे एलिमेंट है वो ग्रेटर है आपका j+1 से, अगर ये ग्रेटर है इससे, तो हम इन्हें स्वैप करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे, स्वैप ए ऑफ जे एंड ए ऑफ j+1, ठीक है। उस केस में हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम बस j++ करके आगे बढ़ते जाएंगे लूप में, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लूप क्लोज होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा लूप चलेगा पासिस के लिए। हम सबसे पहले फर्स्ट पास फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो इज लेस देन एन माइनस वन मीन्स फोर, सो जीरो इज लेस देन फोर, हम फर्स्ट पास में गए और हम फिर एलिमेंट्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट्स इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, अगर हमारा ए ऑफ जो है ए ऑफ जे प्लस वन से, तो हम इन्हें स्वैप करेंगे, ठीक है। तो उन्हें स्वैप करेंगे दोनों एलिमेंट्स को, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होती है तो हम फिर आगे आगे दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कोड लिखेंगे, ओके। अब आती है तो ये इसके एल्गोरिदम है। बस यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जे शुड बी लेस देन एन माइनस वन की जगह जे शुड बी लेस देन एन माइनस आई माइनस वन, बस आपको आई भी इससे माइनस करना है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा है, मीन्स जैसे जैसे हमारे पासेस बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरे एन माइनस वन कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट पास में हमने पूरे कंपैरिजन किए थे, ठीक है। बट फर्स्ट पास के बाद हमें फर्स्ट एलिमेंट अपना करेक्ट पोजीशन में मिल गया था, तो उसके बाद हमने कितने कंपैरिजन करे, हमारे कंपैरिजन सिर्फ इतने एलिमेंट्स का हुआ, मतलब हमारा एक कंपैरिजन कम हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड केस में हमारे टू कम, जितने एलिमेंट्स हमारे हर पास में सॉर्ट होते जा रहे हैं तो उतने कंपैरिजन हमारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एन माइनस आई माइनस वन यहाँ पे रखेंगे एन माइनस वन की जगह, क्योंकि हम एन माइनस वन मीन्स ये इट विल कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें हर एक पास के बाद एक एक एलिमेंट सॉर्टेड मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आई की वैल्यू जीरो थी, क्योंकि फर्स्ट पास था, तो उसमें तो एन माइनस वन टोटल, एन माइनस वन टोटल फोर कंपेरिजन होंगे, सारे एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन एन माइनस, जब हमारा आई इक्वल्स टू वन मीन्स सेकेंड सेकेंड पास में जब हम अपने जाएंगे, तो एन माइनस वन मीन्स एन माइनस हम एक कंपेरिजन से कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम 55 से कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपनी करेक्ट पोजीशन में। इस तरीके से जैसे जैसे आई पास बढ़ते जाएंगे हमारे, हम इसमें से आई माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अब उतने कंपेरिजन कम करने, ठीक है। तो होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। एक बार आप कोई वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर पास की वैल्यू लेके एक बार आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम कैसे रन करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, हमने एल्गोरिदम भी देख ली, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस हमने जो जो स्टेप परफॉर्म करें बस वही हमने अपनी एल्गोरिदम में लिखे हैं, ठीक है। अब थर्ड आती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमारी बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि हमें कितना टाइम लग रहा है अपने बबल सॉर्ट को परफॉर्म करने में, ठीक है। बबल सॉर्ट में हमें परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अब हम कर क्या रहे हैं बबल सॉर्ट में, बेसिकली हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और स्वैप कर रहे हैं जहां पे वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमें, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एकदम स्वैपिंग परफॉर्म, सॉरी, पहले हम क्या करें, कंपेरिजन, फर्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं प्लस स्वैपिंग कर रहे हैं, बस ये दो चीज ही कर रहे हैं हम अपने बबल सॉर्ट में, ठीक है। तो इसी चीज में हमें टाइम लगेगा। अब कंपैरिजन आपके, ठीक है, मैक्सिमम कितने कंपैरिजन हो सकते हैं, ठीक है। तो सी, हम हर एक पास में कितने, जैसे ये अगर हमारा फर्स्ट पास है, ठीक है, इसमें हमने कितने कंपेरिजन किए, पहले इन दो एलिमेंट को किया, वन टू थ्री एंड फोर, मीन्स अगर हमारे पास फाइव एलिमेंट्स थे तो हमारे फोर कंपैरिजन लगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एन एलिमेंट है तो कितना, एन माइनस वन कंपैरिजन लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने कितने कंपैरिजन करे, सी, अब ये वाला हमारा पास्ट होता, हमने वन टू एंड थ्री, बस थ्री कंपैरिजन किए, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा बिकॉज ऑलरेडी सॉर्टेड था तो हमने उसे कंपेयर नहीं किया, ठीक है। तो एन माइनस वन, अब हमारे इसमें थ्री लगे, मतलब फाइव माइनस टू मीन्स एन माइनस टू। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि कंपेरिजन कम होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे लास्ट से एलिमेंट्स हमें अपने करेक्ट ऑर्डर पे मिल रहे हैं। तो एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इस तरीके से लास्ट में हम वन का फाइनल हमारा कितना हो जाएगा, वन कंपेरिजन हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर एन माइनस वन, एन माइनस टू, सॉरी, एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, ओके। तो इक्वल्स टू, ये हमारा कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या ये कंपैरिजन हमारे हमेशा सेम ही रहेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में? तो बिकॉज अगर हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में भी होता है तो भी हमें कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, बिना कंपैरिजन के हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा ऑर्डर एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो चाहे कोई भी केस हो, या इट आइदर इट इज बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, हमें कंपैरिजन तो करने ही होंगे। तो कंपैरिजन हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही हमारा होगा, ठीक है। ये हो गया आपके कंपैरिजन, ठीक है। अब स्वैप, स्वैप आपको पता है
अगर आपका एरे सॉर्टेड है, लाइक दिस इज योर सॉर्टेड एरे, तो आपको बस कंपेयर तो आपको करना पड़ेगा चेक करने, लेकिन आपको कहीं पे भी आपको स्वैप नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि स्वैप हमारे जीरो है, लेकिन अगर यही ऑर्डर आपका डिसेंडिंग में है, ठीक है, तो आपको हर एक एलिमेंट्स को कंपेयर और स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्स मिनिमम आपके जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके एन स्क्वायर ही कंपेरिजन जाएंगे, ठीक है। तो अब स्वैप आपके जितने भी हो, लेकिन आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंपेरिजन प्लस स्वैप दोनों मिला के, तो जो इसमें सबसे ज्यादा टाइम होगा हम उसे लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपका कंपेरिजन ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपका स्वैप जीरो भी है तो भी ये आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही आएगा, अगर ये आपका एन है, एन स्क्वायर है, तो भी आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगा। तो फाइनली बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑलवेज इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और वो चाहे कोई भी केस हो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और योर एवरेज केस, कोई भी केस हो आपकी बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल ऑलवेज बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बिकॉज ऑफ द कंपेरिजन, बिकॉज कंपेरिजन चाहे कोई भी केस हो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही कंपेरिजन लगेंगे, ठीक है। तो यही तीन चीजें थी। सबसे पहले कि बबल सॉर्ट में स्टेप्स क्या होते हैं, हम इसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, अगर हमारा ए आई एलिमेंट ग्रेटर है, हमारा ए आई प्लस वन एलिमेंट्स है, तो हम इन दोनों को स्वैप करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम अपना कोई भी बबल या मार्क लगा सकते हैं ताकि हमें इजी पड़े कंपेयर कि हमने किन दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया, ठीक है। तो इसको जब लास्ट तक हम पहुंच जाते हैं तो उसे हम पास वन बोलते हैं, फिर हम रेस्ट अन जितने भी हमारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स बचते हैं फिर से हम उसमें बबल सॉर्ट लगाते हैं, फिर पास टू में हमें सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है। तो इस तरीके से हमें फाइनल पास परफॉर्म करके अपना फाइनली सॉर्टेड एरे मिलता है, ठीक है। ये उसकी आपको एल्गोरिदम है, एंड फाइनली द कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो होप आपको समझ आई होगी बबल सॉर्टिंग। थैंक यू।